आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। जहीराबाद में उर्दू कल्चरल हॉल को तब्दील करके 108 एम्बुलेंस गाड़ियां ठहरने की पार्किंग बना दी गई है, जबकि कुल हिंद तंजीम इंसाफ ने इस जगह को फिर से उर्दू कल्चरल हॉल बनाया जाए ऐसी कंप्लेंट आरडीओ को, एमआरओ को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, एमएलसी अलहज मोहम्मद फरीदुद्दीन को भी पेश की, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं होने पर आज कुल हिंद तंजीम इंसाफ पार्टी ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को भी एक मेमोरेंडम दिया गया। जबकि इससे पहले के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ठहरकर उर्दू लैंग्वेज को तेलंगाना स्टेट की दूसरी लैंग्वेज बनाने का वादा भी किया था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे वाक्य से साबित होता है कि उर्दू लैंग्वेज का दर्जा कितना नीचे गिर गया है। फिर दूसरी तरफ जहीराबाद के मुकामी लीडर और आला अहदेदार कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ताजुद्दीन बाबा के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज तंजीम इंसाफ की तरफ से कलेक्टर साहब के पास एक याददाश्त पेश की गई, जो कि आईटीआई कॉलेज से होते हुए रैली निकालते हुए कलेक्टर ऑफिस के पास धरना दिया गया। उसके बाद कलेक्टर साहब से मुलाकात की गई। उसके बाद जहीराबाद के मुताल्लुक जो उर्दू हाल का मसला कई महीनों से पीछे रह गया है, पुलिस स्टेशन के बाजू में जो मौजूद उर्दू हाल को कल्चरल हाल में बदला गया, कल्चरल हाल से फिर उसको एम्बुलेंस के ऑफिस में बदला गया, जिसके वजह से मुसलमान बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इंसाफ कमेटी इसके ताल्लुक से पिछले कई महीनों से जद्दोजहद में जारी है। इसके ताल्लुक से तहसीलदार को याददाश्त पेश की गई, कमिश्नर को याददाश्त पेश की गई और एमएलसी फरीदुद्दीन साहब को भी इसकी याददाश्त पेश की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक रद्दअमल नहीं हुआ। इसकी वजह से हमें कलेक्टर साहब के पास जाकर इसको याददाश्त दिलाना पड़ा और उन्होंने हमें ताखुन दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोशिश की जाएगी और इसके ऊपर अमल किया जाएगा। अगर कलेक्टर से भी अगर काम नहीं होता है तो हम डिप्टी सीएम साहब के पास भी जाएंगे और हमारा हक हम लेते हुए रहेंगे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।